नमस्कार। एईपीएस संचालक सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर, कभी ना कभी आपने देखा होगा आधार निकासी के दौरान आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर आता है। ये ईरर क्या है, इसका क्या मतलब है और सस्पेक्टेड फ्रॉड ऐसा करके ईरर क्यों आता है आधार निकासी में? किसी भी बैंक का निकासी करते हैं, पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आता था, लेकिन अब जो है स्टेट बैंक और अन्य बैंकों में भी सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर आने लगा है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर क्या होता है, एईपीएस में आधार निकासी पर ऐसा क्यों आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, सीएससी सीएसपी संबंधित ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हम बता दें, एईपीएस ईरर ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट या फिर कई सारे कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी पर देखने को मिलते हैं। वैसे में अभी सबसे ज़्यादा जो ईरर देखने को आधार निकासी पर मिल रहा है, कैश विड्रॉल पर, वो मिल रहा है सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो अभी हम लोग बताएंगे आपको कि सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर का क्या मतलब है। एईपीएस जब भी कोई आधार निकासी करते हैं, आप किसी भी ग्राहक का आधार निकासी किसी भी आईडी से करते हैं, तो सस्पेक्टेड फ्रॉड ईरर आपको तभी मिलता है जब कि उस बैंक का सर्वर का इश्यू रहता है। सस्पेक्टेड फ्रॉड कई सारे रीजन के कारण, कई सारे कारण से बैंक जो है उन ग्राहकों को सस्पेक्टेड फ्रॉड लिस्ट में डाल देते हैं या फिर ईरर शो कर देते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि किसी कस्टमर का केवाईसी ना किया हुआ हो, या अकाउंट होल्ड हो, या बार बार सेम अमाउंट विड्रॉल हो रहा हो। वैसे में भी ये ग्राहकों के अकाउंट में सस्पेक्टेड फ्रॉड जैसे ईरर शो करता है। तो रिटेलर कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, रिटेलर के लिए क्या समाधान है? रिटेलर जब भी विड्रॉल करे, रिपीटेड ट्रांजेक्शन ना करे। रिपीट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, रिपीट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने 2000 का निकाला, फिर से 2000 का तुरंत निकाल लें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तुरंत बैलेंस इंक्वायरी करके तुरंत विड्रॉल, ऐसा भी कोशिश करें कि ऐसा कम करें सामान्यतः, क्योंकि जब भी आप किसी कस्टमर का पैसा निकासी करते हैं तो उसका बचा हुआ बैलेंस ऐसे भी दिख जाता है स्क्रीन पे। तो रिपीटेड ट्रांजेक्शन ना करें तो वैसे में आप सस्पेक्टेड फ्रॉड का कम सामना करेंगे। हालांकि ये सस्पेक्टेड फ्रॉड बैंक का सर्वर का समस्या होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।